असलकम वरक साथियों मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तबाल करता हूँ ख़ैर मकदम करता हूँ वेलकम करता हूँ आपके अपने ही यूटूब चैनल जी एस ऑनलाइन पर एक दफ़ा आप तमाम हजरात ये बताइए हमारी ऑडियो और वीडियो आपको क्लियर मिल रही है अगर ऑडियो और वीडियो क्लियर है तो एक बार आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा सभी का वेलकम है स्वागत है एन कासमी एम नसीरुद्दीन मोहम्मद शाहजहां आसिफ आलम जी सभी का वेलकम है सालिहा जी, नवेद नवाज ऑफिशियल सभी का वेलकम है स्वागत है एमडी डी एमडी एम जावेद अंसारी जी सरफराज टिंकू आलम तो शुरू करते हैं आज का ये अहम क्लास और आज का जो क्लास होगा हमारा ये बीपीएससी टीआरई 2.0 या आप आर ई टू टू एट की तैयारी कर रहे हैं नाइन टेंथ की तैयारी यानी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या पीजीटी तीनों में ये क्लास आपको काम आएगा और खास बात यह है कि सिक्स टू एट का क्लास भी अप्लीकेशन पे लॉन्च कर दिया गया है अगर आपको साथियों क्लास लेना है तो आप अप्लीकेशन से ले सकते हैं कोई दिक्कत अगर आपको आ रही है तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके जरूर एक बार रहा कर सकते हैं ये लोग आपकी रहनुमाई जरूर करेंगे चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें नकरा का बयान काफी अच्छा टॉपिक है और इन सब टॉपिक से सवाल बनते हैं तो मैं ये चाहता हूं कि उससे पहले आपको साथियों कुछ चीजें वो जो हमने पहले पढ़ रखी हैं उसको हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं हर दिन की तरह क्योंकि उर्दू ग्रामर या उर्दू कवायद जो है एक दूसरे से रिलेटेड है और रिलेटेड को साथियों अगर एक दूसरे से हर दिन जोड़कर ही पढ़ाया जाए तो काफी अच्छे ढंग से आप समझ भी लेंगे और आपको यादें भी हो जाएंगी चीजें सबसे ज्यादा जरूरी है इंपॉर्टेंट है साथियों समझना चीजों को ठीक है ना हमने यह पढ़ा था क्या पढ़ा था भाई कि जबान की सबसे छोटी इकाई को क्या बोला जाता है तो जबान से की सबसे छोटी इकाई को हर्फ बोलते हैं और हरूफ जो है साथियों हरूफ के मजमुआ को क्या बोला जाता है तो हरूफ के मजमुआ को बोला जाता है लफ्ज और लफ्ज का ही क्या बोला जाता है दूसरा नाम तो लफ्ज को ही बोला जाता है बोली यानी इंसान के मुँह से जो आवाज निकलती है उसी को बोलते हैं बोली और लफ्ज या बोली इसकी साथियों कितनी किस्में हैं तो इसकी दो किस्में हैं एक नंबर में होगा आपका मौजू और मौजू को ही दूसरे नाम से पुकारते हैं वो है साथियों कलीमा यानी जिस लफ्ज का कोई माना हो और दूसरा जो है साथियों वो आपका है मोहमल मोहमल वो लफ्ज जिसका कोई माना ना हो मौजू यानी कलीमा इसकी साथियों तीन किस्में हैं कौन कौन सी तो एक नंबर में आपका आएगा इसमें क्या होगा इसमें और दूसरे नंबर में आपका होगा पेल और तीसरे नंबर में आपका होगा हर्फ तीसरे नंबर में आपका होगा हर्फ अब जो इसमें है साथियों थिंग दुनिया का कोई भी नाम क्या है इसमें है तो इसमें की माना के एतबार से किस एतबार से माना के एतबार से इसमें की दो किस्में हैं एक नंबर में हो जाएगा आपका इसमें जात एक नंबर में इसमें और दूसरे नंबर में होगा आपका इसमें सिफत क्या होगा इसमें सिफत ये साथियों इसम की जो है माना के एतबार से दो किस्में हैं ठीक इसमें जात जैसे दरख्त जैसे पहाड़ जैसे इंसान इसमें सिफत जैसे अच्छा बुरा जिसको एडजेक्टिव बोलते हैं है ना अब माना के एतबार से इसम की दो किस्में इसमें जात इसमें सिफत अगर आपको पूछ ले कि बनावट यानी कि इश्तका के एतबार से बनावट यानी कि इश्तका के एतबार से इसम की कितनी किस्में हैं तो बनावट यानी कि इश्तका के एतबार से इसमें की तीन किस्में हैं कौन कौन सी है भाई तो पहली किस्म जो होगी आपकी वो होगी जामिद पहली किस्म जामिद दूसरी किस्म जो है वो है आपका मसदर और जो तीसरी किस्म है वो आपका है मुश्तक जामिद वो इसमें जो न खुद तो किसी से निकला हो और उससे न कोई असमा बनते हो मजदर वो इसमें जो खुद तो किसी से नहीं निकला हो उससे लेकिन अफआल बनते हो वो इसमें जो मजदर से निकलकर बना हो है ना ये आपका हो गया अब उसके बाद साथियों आगे जानेंगे कि जो जामिद है इसमें जामिद ये जो जामिद है साथियों जामिद तो जामिद की जो है दो किस्में हैं जामिद की कितनी किस्में हैं दो किस्में कौन कौन सी तो एक नंबर में आपका आएगा इसमें मारफा क्या होगा इसमें मारफा इसमें मारफा का दूसरा नाम जो है वो आपका है इसमें खास और दूसरे नंबर में होगा साथियों इसमें नकरा क्या होगा इसमें नकरा इसमें नकरा का जो दूसरा नाम है वो आपका है इसमें आम इसमें मार्फा यानी कि आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी कि प्रॉपर नाउन और इसमें नकरा इसमें आम यानी जातिवाचक संज्ञा यानी कि साथियों कॉमन नाउन इसमें मार्फा की टोटल जो है सात किस्में कितनी किस्में हैं सात किस्में कौन कौन सी तो पहले नंबर में साथियों आपका होगा अलम पहले नंबर में क्या होगा अलम दूसरे नंबर में होगा आपका जमीर दूसरे नंबर में जमीर और तीसरे नंबर में होगा साथियों आपका इसमें इशारा इसमें इशारा और जो चौथे नंबर में है साथियों वो होगा आपका इसमें मौसू क्या होगा इसमें मौसूल और जो पांचवा नंबर है साथियों वो आपका होगा मुजाफ क्या होगा मुजाफ और जो छठे नंबर में है वो है साथियों आपका माहूद और जो सातवां नंबर है वो आपका है मुनादा ये टोटल सात किस्में इसमें मार्फा की है अब अगर बात करते हैं अलम की दुनिया का कोई भी नाम जो है वो अलम में आता है जो खास नाम हो अलम होता है तो अलम की साथियों जो टोटल किस्में हैं वो है छह किस्में कौन सी कितनी किस्में हैं अलम की छह किस्में कौन कौन सी किस्में हैं भाई आलम की छह किस्में तो एक नंबर में आपका होगा इसमी क्या होगा इसमी दूसरे नंबर में आपका होगा कुन्नीत क्या होगा कुयत क्या होगा कुन्नीत तीसरे नंबर में आपका है लकब क्या है लकब चौथे नंबर में आपका है खिताब क्या है खिताब और पांचवे नंबर में आपका है उर्फ क्या है उर्फ और छठे नंबर में आपका है तखल्लुस छठे नंबर में आपका तखल्लुस ये छह किस्में जो है ये अलम की है किसकी है अलम की ये छह किस्में हैं इसमी कुन्नीत लकब खिताब उर्फ तखल्लुस इसमी ियत लकब खिताब उर्फ तखलुस ये छह किस्म अलम की अगर बात करते हैं जमीर जमीर को बोलते हैं प्रोनाउन यानी वो नाम जो किसी दूसरे इस वो लफ्ज जो किसी दूसरे इसम की जगह इस्तेमाल किया जाए यानी जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं सर्वनाम तो जमीर जो है ना इसकी टोटल साथियों किस्में हैं पांच कौन कौन सी किस्में हैं तो पहले नंबर में होगा आपका जमीर मुतलक क्या होगा जमीर मुतलक जमीर मतलब का दूसरा नाम है जमीर शख्सी क्या नाम है जमीर शख्सी दूसरे नंबर में आपका है साथियों जमीर इस्तफ हामी और जो तीसरे नंबर में है आपका वो है आपका जमीर इशारी क्या है जमीर इशारी और जो चौथे नंबर में है साथियों वो आपका है जमीर मौसूली क्या है जमीर मौसूली और जो पांचवा नंबर है वह आपका है जमीर तनकीरी क्या है जमीर तनकीरी क्या है साथियों जमीर तनकीरी ये टोटल पांच किस्में जो है ये आपके जमीर जमीर किस जमीर की है। जमीर की 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 है 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 पांच ठीक अब बात करते हैं इसमें इशारा की। तो इसमें इशारा तो इशारा यानी वो लफ्ज जिसके जरिए किसी इसम की तरफ इशारा किया जाए उसको इसमें इशारा बोलते हैं तो इसमें इशारा की टोटल साथियों दो किस्में हैं एक नंबर में आता है आपका इसमें इशारा करीब और दूसरे नंबर में आता है आपका इसमें इशारा ये इसमें इशारा की दोस्तों दो जो जो को आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो इसका मतलब पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है पिछले वीडियो को आप जरूर एक बार वॉच कर लीजिएगा देख लीजिएगा आपको बहुत फायदा होगा ठीक है यहां तक किसी को कोई दिक्कत है चलिए बताइए चलिए आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हमारा है साथियों इसमें नकरा का बयान क्या पढ़ेंगे हम लोग इसमें नकरा का बयान तो इसमें नकरा किसको बोलते हैं इसमें नकरा उस नाम को बोलते हैं या फिर वो लफ्ज है जिससे कॉमन चीज समझा जाए जिससे एक कोई जाति विशेष समझा जाए जिससे एक ग्रुप समझा जाए देखिए इसमें मार्फा जैसे हम बोले थे साजिद तो एक खास आदमी का नाम लेकिन हम इसमें नकरा बोले साजिद ना बोलकर हम बोल देते हैं लड़का तो पूरा लड़का जाति पूरे लड़का ग्रुप का बोध हो रहा है तो वही होगा आपका इसमें नकरा इसमें नकरा से कोई खास चीज नहीं समझी जाएगी जैसे हम बोलते हैं पटना तो पटना एक खास शहर का नाम है वो आपका इसमें और इसमें खास में आएगा लेकिन हम बोल देते हैं शहर तो शहर से पटना ही तो मुराद नहीं होगा दुनिया का सारा शहर मुराद होगा तो जो साथियों जिस कोई खास व्यक्ति विशेष ना समझा जाए जिस लफ्ज से कोई खास, खास चीज मुराद ना हो बल्कि आम चीज मुराद हो उसी को बोलेंगे इसमें नकरा और उसी को बोलेंगे इसमें आम उसी को बोलेंगे इसमें नकरा और उसी को बोलेंगे इसमें आम क्या बोलेंगे उसको इसमें नकरा या फिर इसमें आम बात समझ में आ गई जैसे हम बोलें गंगा तो गंगा एक खास नदी का नाम है लेकिन हम बोल देते हैं नदी तो नदी से तो गंगा ही नदी मुराद नहीं है जमुना भी है शतलज भी है ना जितनी भी नदियां हैं वो सारी नदियां मुराद है इससे है ना कोसी भी है मानंदा भी है ना ये सब नदी पुनपुन -पुन भी है जे तो जो भी नदियां होंगी वो सारी नदी इससे मुराद होगी मतलब ये हुआ कि इसमें मारफा से कोई खास व्यक्ति विशेष समझा जाएगा और इसमें नकरा से साथियों आम यहां पे जान लीजिए आप इसमें नकरा की टोटल साथियों पांच किस्में कितनी किस्में हैं पांच किस्में कितनी किस्में हैं पांच किस्में इसमें नकरा की टोटल कितनी किस्में भाई पांच किस्में इसमें नकरा की टोटल कितनी किस्में है पांच किस्में कितनी किस्में है पांच किस्में है ना सबसे पहले इसमें आप यह जानिए कि सबसे जो पहली किस्म है इसमें नकरा की वह है साथियों इसमें मुकबर अब कहिएगा इसमें मुकबर किसको बोलते हैं तो इसमें मुकबर बोलते हैं उस इसमें को जिस लफ्ज के जरिया जिससे कोई बड़ापन समझा जाए और दूसरी जो किस्म है साथियों वो आपका है इसमें मुसगर क्या है आपका इसमें मुसगर इसमें मुसगर उस इसमें को बोलते हैं जिससे छोटापन समझा जाए अब ये बड़ापन और छोटापन क्या होता है असल में ये ग्रामर की दुनिया में ही हम लोग इसको जान पाएंगे अच्छे ढंग से देखिए जैसे साथियों हम बोलते हैं किताब किताब से मुराद वो बुक जो आपके घर पर है जो आपके पास है लेकिन अगर इसी का साथियों बना दिया जाए किताब चा, तो किताब चा से मुराद होता है छोटी वाली किताब जो आपके पॉकेट में होता है तो किताब चाचे लग गया ये इसमें मुसगर है किताब इसमें मुकबर है ठीक है जैसे साथियों एक बात याद रखिए दर दर के माने होते हैं दरवाजा और इसी से बना लिया गया दरीचा दरीचा का मतलब हो गया दरवाजा से छोटा दरवाजा से, से छोटा क्या है खिड़की है तो इसका माना हो गया खिड़की तो दर दरवाजा बड़ा माना दे रहा है दरीचा छोटा माना दे रहा है ना अब एक लफ्ज है साथियों क्या ध्यान दीजिएगा एक लफ्ज है आपका जे में में mm. <laughs> संदूक, संदूक, संदूक संदूक से मुराद आपका कोई भी संदूक है लेकिन इसी से लग गया आपका संदूक चा संदूक चा तो ये संदूक चा क्या हो जाएगा इसमें मुसगर हो जाएगा इसी तरह देखिए बाघ तो बाघ से साथियों बड़ा वाला बाघ मुराद है जो आपके पास है लेकिन इससे साथियों अगर हम बना लेते हैं बागीचा तो बागीचा जो है ये छोटा वाला गार्डन जो आपके पास है घर में आंगन में हम लोग बनाते हैं छोटा वाला वो बागीचा है वो गार्डन है ना बाग कहेंगे वो बड़ा वाला बाग जिसके अंदर बहुत सारे आम के फल लगे हों है ना ये बाग छोटा का माना देगा। जिस तरह इसी तरह साथियों एक लफ्ज है देग देग बोलते हैं जिसमें शादी में में कोई बड़े फंक्शन खाना बनता है इसी से बनता है देगची तो देगची बोलते हैं छोटे वाले को जिसमें हम लोग घर में खाना बनाते हैं तो देगची इसमें मुसगर देग आपका इसमें मुकबर इसी तरह साथियों एक लफ्ज है आपका पहाड़ तो पहाड़ से बड़ा वाला मुराद इसी तरह पहाड़ी पहाड़ी से साथियों छोटा वाला पहाड़ मुराद आई होप ये इसमें इसमें और इस मुसगर आपको समझ में आ गया होगा समझ में आया इसी इसमें मुकबर और इसमें मुसगर को कभी कभी साथियों इसमें तस्गीर भी बोला जाता है तो तस्वीर बोलेगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं है समझने की बस फेरा है तस्वीर इसमें तस्वीर यानी इसमें मुसगर ठीक है ठीक है तो ये ये चीजें आपने जान लिया इसमें मुकबर और इसमें मुसगर आपने जान लिए अब उसके बाद साथियों आगे जानिए इसमें मुसगर और इसमें मुकबर जानने के बाद आगे आप जाने आगे जो तीसरी किस्म है उसको बोलते हैं साथियों इसमें आला क्या बोलते हैं इसमें आला इसमें आला किसको बोलते हैं इसमें आला बोलते हैं वो लफ्ज जिसके जरिया किसी काम को अंजाम दिया जाए इसमें आला की दो तारीफ है वो लफ्ज जिसके जरिया किसी काम को अंजाम दिया जाए या कोई भी हथियार या औजार के नाम को इसमें आला बोलते हैं समझिएगा मेरी बात वो लफ्ज जिसके जरिया किसी काम को अंजाम दिया जाए उसको भी इसमें आला या किसी औजार या हथियार के नाम को इसमें आला बोलते हैं जैसे देखिए हम लिखते हैं झाड़ू तो झाड़ू के जरिया हम सफाई का काम अंजाम देते हैं झाड़ू इसमें आला जैसे हम लिखते हैं कलम कलम के जरिए लिखने का काम अंजाम देते हैं साथियों इसमें आला है ना जे तो ये आपका क्या हो जाएगा इसमें आला जे इसी तरह आप देखिएगा मच्छरदानी ये भी आपका इसमें आला है इसी तरह साथियों आपका तलवार इसमें आला है इसी तरह चाकू इसमें आला है इसी तरह आपका हो जाएगा हथौड़ी इसमें आला है ना और इसी तरह साथियों कंघा चूंकि कंघा से हम सफाई का काम अंजाम बाल को ये करते हैं ये भी आपका इसमें आला है यानी हर वो औजार या वो लफ्ज जिसके जरिए किसी काम को अंजाम देते हैं उसको बोला जाता है इसमें आला क्या बोलते हैं इसमें आला तो इसमें नकरा की साथियों पांच किस्मों में से पहली किस्म है इसमें मुकबर दूसरी किस्म है इसमें मुसर तीसरी किस्म है इसमें आला तीसरी किस्म है इसमें आला अब हम लोग जानेंगे चौथी किस्म को चौथी किस्म जो है साथियों वो क्या है उसको हम लोग जानेंगे चौथी तो इसमें जो है वो आपका है इसमें जर्फ इसमें जर्फ देखिए इसमें जर्फ का मतलब हुआ वो लफ्ज जिससे कोई जगह या कोई वक्त का पता चले जैसे देखिए जगह या वक्त का पता चले जगह या वक्त का पता चले उसको क्या बोलते हैं इसमें जर्फ बोलते हैं जगह या वक्त का पता चले उसको क्या बोलते हैं इसमें जर्फ बोलते हैं जैसे देखिए मिसाल के तौर पर हम लिखते हैं स्कूल स्कूल एक जगह है इसमें जर्फ है जैसे हम बोले मस्जिद एक जगह है इसमें जर्फ है जैसे हम बोले बोलते हैं साथियों जो आपका कक्षा होता है उसको तो ये एक जगह को बता रहा है 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 इसमें जर्फ ना जैसे हम बोले दिन एक वक्त को बता रहा है इसमें जर्फ है जै, ए, यस, जैसे हम बोले रात एक वक्त को बता रहा है साथियों इसमें जर्फ है जैसे हम बोले सुबह एक वक्त को बता रहा है इसमें जर्फ है जैसे हम बोले शाम एक वक्त को बता रहा है इसमें जर्फ है जैसे हम बोले दोपहर एक वक्त को बता रहा है इसमें जर्फ है जैसे हम बोले साल एक वक्त को बता रहा है इसमें जर्फ है जैसे हम बोले महीना इसमें जर्फ है लेकिन आपने यहां पे दो चीज देखा कि इसमें जर्फ के अंदर एक जगह भी बतलाई जा रही है और एक वक्त को भी बतलाया जा रहा है दोनों आसमा को हम बोलते हैं इसमें जर्फ अगर जगह जैसे कब्रिस्तान स्कूल मैदान है ना ये सब भी इसमें जर्फ में होगा दिन साल महीना दोपहर है ना ये सब भी साथियों क्या होगा इसमें जर्फ में होगा यानी इसमें जर्फ की दो किस्में समझिएगा इसमें नकरा की चौथी किस्में है इसमें जर्फ और इसमें जर्फ की दो किस्में पहली किस्म इसका हो जाएगा जर्फ मकान क्या हो जाएगा इसमें जर्फ मकान क्या हो जाएगा इसमें जरफे मकान और दूसरी किस्म हो जाएगी जरफे जमान क्या हो जाएगा जरफे मकान उस को बोलते हैं जिस से कोई जगह समझा जाए कोई जगह समझा जाए उसको जरफे मकान और जरफे जमान उस इसम को बोलते हैं जिस इस से जा इसम को है जिस इस से कोई वक्त समझा जाए जैसे ध्यान दीजिए हम लोग तो बोला स्कूल तो स्कूल से एक जगह समझ रहे हम लोग जैसे हम लोग बोलते हैं मैदान एक जगह समझ रहे हैं जैसे साथियों हम लोग बोले हैं क्या दरसगा एक जगह समझ रहे हैं हम लोग जैसे हम लोग बोलते हैं मस्जिद एक जगह समझ रहे हैं जैसे हम लोग बोलते हैं मंदिर एक जगह समझ रहे हैं ये सब क्या होगा आपका इसमें जरफे मकान इसमें जरफे मकान इसमें जरफे मकान जैसे साथियों मिसाल के तौर पर कब्रिस्तान एक जगह समझ रहे हैं इसमें जर्फ हो जाएगा नहीं यानी हर वो आसमा जिससे हम लोग कोई जगह को समझते हैं वो आपका क्या हो जाएगा इसमें जरफे मकान अब साथियों इसमें यानी वो जिससे कि कोई वक्त समझा जाए।, जाए जैसे मिसाल के तौर पर ध्यान दीजिएगा हम बोले सुबह तो एक वक्त समझ रहे हैं ना ये आपका इसमें जरफे जमान जैसे हम बोले शाम एक वक्त है ना ये जरफे जमान जैसे हम बोले दोपहर क्या है साथियों दोपहर तो इसमें जरफे जमान जैसे हम बोले साथियों साल इसमें जरफे जमान जैसे हम बोले महीना इसमें जरफे जमान यानी इसमें जरफ की दो किस्में एक किस्म हो जाएगा जरफे मकान दूसरी किस्म हो जाएगी जरफ जमान एक किस्म जरफे मकान दूसरी किस्म हो जाएगी जरफे जमान समझ में बात आ गई ये समझ में आपको आ गया देखिए खास तौर पर मैं जो प्रोपर कहता हूं जो लोग मदरसे से पढ़े होंगे उनके लिए ये चीजें आसान होंगी लेकिन जो लोग स्कूल से पढ़े हैं जो लोग अभी स्टार्टिंग किए हैं या जो लोग स्कूल से पढ़े हैं यही बेस आपको एग्जाम क्वालिफाई कराएगा इसलिए कि एग्जाम में बेसिक चीज भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है तो जब तक आपको बेसिक चीज का नॉलेज नहीं होगा तो आप क्वेश्चन को हल नहीं कर पाइएगा इसीलिए आप लोग जिनको नहीं आ रहा आप अपने दिल पर हाथ दे रखिए बोलिए और जिनको नहीं आ रहा वो बिल्कुल ध्यान से अच्छे ढंग से समझने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि ये बेस है बाद में तो ऑब्जेक्टिव होता ही रहेगा समझ में बातें आप लोगों को आ गई चलिए इसमें नकरा की चौथी किस्म आपका इसमें जर्फ और इसमें जर्फ की दो किस्में जर्फ मकान जरफे जमान जरफे मकान यानी जिससे कोई जगह समझा जा रहा हो जर्फ मक... जिससे कोई वक्त समझा जा रहा हो अब इसमें मा... नकरा की जो पांचवी किस्में साथियों इसमें नकरा की जो पांचवी किस्म है उसको बोला जाता है इसमें सौत सौत के माने होते हैं आवाज अब देखते हैं जैसे कोई खास आवाज हो जैसे हम बोले मियाओ मियाओ तो क्या मियाओ मियाओ किसकी आवाज है आप कहिएगा बिल्ली की आवाज तो मियाओ मियाओ क्या हो जाएगा इसमें नकरा हो जाएगा और इसमें नकरा में भी इसमें सौत होगा क्योंकि ये एक खास आवाज है जैसे साथियों हम बोले भों भू तो भो भों किसकी आवाज है कुत्ते की आवाज ये आपका इसमें साथियों सौत होगा जैसे साथियों हम बोलते हैं क्या जे शप 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 शप, शप, शप किसकी आवाज है साथियों तलवार की आवाज है जैसे हम लोग बोलते हैं टप 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 किसकी आवाज है साथियों टप टप पानी की आवाज है ना तो ये जो जिससे कोई खास आवाज समझा जा रहा हो वो साथियों क्या होता है इसमें सौद कहलाता है क्या कहलाता है इसमें शौद कहलाता है जैसे कि साथियों घोड़े का हीनाना है ना हाथियों का चिंग घाड़ना जे और कुत्ते का मियाओ म्या बिल्ली का मियाओं करना कुत्ते का भोंकना भों करना है ना ये सारी की सारी चीजें क्या है साथियों आपका इसमें सौत है क्या है इसमें सौत है तो आई होप के इसमें सौत भी आपने साथियों समझ गए होंगे जैसे कि एक साथी बोल रहे हैं मोर्निंग का समय है छन 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 बोलेंगे तो अभी ये कढ़ाई के अंदर पूरी जब आप छाप छानते हैं छन तो छन की आवाज यानी तेल की आवाज है ना तेल की आवाज है छन साथियों आप सोए हुए थे रात में और रात में आपके कानों के पास भन भन की आवाज आने लगी तो ये किसकी आवाज है भन भन जे मोहतरम आ गए थे आपके पास भन भन यानी मच्छर की आवाज भन, भन यानी मच्छर की आवाज ये भी क्या होगा इसमें सौत होगा छन छन इसमें सौत होगा टप टप इसमें सौत होगा कुल कुल इसमें सौत होगा भो भो मिया मिया ये सारे के सारे इसमें सौत होंगे अब एक बार आप इन चीजों को फिर से रिपीट कर लीजिए ताकि आपको चीजें समझ में आ जाएगी ध्यान दीजिएगा हम लोगों ने जाना इसमें नकरा और इसमें नकरा को ही बोलते हैं इसमें आम तो इसमें नकरा यानी इसमें आम की टोटल कितनी किस्में हैं पांच किस्में कौन कौन सी किस्में हैं साथियों तो पहले नंबर में आपका है इसमें मुकबर और दूसरे नंबर में आपका है इसमें मुसगर क्या होगा आपका इसमें मुसगर और तीसरे नंबर में साथियों आपका है इसमें इसमें जर्फ है, इसमें जर्फ है। और जो चौथे नंबर में है साथियों आपका वो आपका है इसमें आला और जो पांचवें नंबर में आपका है वो आपका है इसमें सौत इसमें सौत इसमें सौत और इसमें जर्फ है जो है इसकी दो किस्में हैं एक नंबर में हो जाएगा इसमें जर्फ मकान और दूसरे नंबर में हो जाएगा इसमें जरफे जमान बातें समझ में आप लोगों को आई समझ में आ गई बताइए एक बार समझ में आ गई भाई वीडियो को लाइक नहीं करते हैं बहुत क्या बोले आप लोगों को लाइक तो करनी चाहिए ना वीडियो को एक बार आप लोग लाइक कर दीजिए हम बोलेंगे तब लाइक करेंगे जो नंबर डेट है दिए हैं कॉल करो तो आपसे बात नहीं होती है स्टूडेंट का डाउट क्लियर नहीं होती है पर आप लोग कोई रिप्लाई नहीं देते हैं अफसाना परवीन क्लास से रिलेटेड जितनी बातें पूछेंगे उनसे कि हमको फला क्लास लेना है फला क्लास लेना है वो सारी चीजें वो आपको बता देंगे अब रहा सवाल की बहुत सारी बातें ऐसी पूछेंगे जो उनसे नहीं होने वाला होगा तो वो तो आपको नहीं ना बता पाएंगे है ना वो हेल्प सपोर्टर है वो हेल्प लाइन है वो जी ठीक है चलिए तो ये चीजें आपने जान लिया अब साथियों थोड़ा सा हम लोग पीडीएफ में देख लेते हैं ताकि वहां से भी आपको कुछ आसानी हो जाए चलिए यही चीज यहां पर साथियों कहा गया कि इसमें नकरा की मंदरजा जैल पांच किस्में हैं कौन कौन सी इसमें मुकबर इसमें मुसर इसमें आला इसमें सौत और इसमें जर्फ है इसमें मुकबर वो इसमें जिससे किसी चीज की बड़ाई या बड़ा होने का पता चले उसको इसमें मुकबर कहते हैं जैसे कार कार माने वो चरचक्का वाला कार नहीं कार का माना काम और इससे हो गया शाहकार शाह माने बादशाह कार माने काम कोई बहुत बड़ा काम आप करते हैं ना जिंदगी में वो होता है शाहकार जैसे किताबें भी होती है शाहकार है ये मुंशी प्रेमचंद का जैसे बोलते हैं ना नाविल गौदान एक शाहकार नाविल है तो शाहकार ये आपका हो जाएगा इसमें मुकबर बात से बतंगड़ एक आदमी होता है ना खूब बतियाता है आपसे जी तो वो बोलते हैं बतंगड़ यानी बहुत ज्यादा बोलना पगड़ी से पगड़ आपने देखा होगा ना राजस्थानी पगड़ जी वो पगड़ क्या है इसमें मुकबर है लेकिन पगड़ी इसमें मुसबर है राह से शाहरा राह माने रास्ता छोटा रास्ता हो रास्ता है लेकिन शाहरा जिसको हम लोग बोलते हैं नेशनल हाईवे बहुत बड़ा रास्ता है तो वो साथियों क्या होगा आपका शाहरा या आपका क्या हो जाएगा इसमें मुकबर जैसे साथियों लोटिया से लोटा छोटा वाला लोटिया बड़ा वाला लोटा तो लोटा क्या होगा इसमें मुकबर हो जाएगा और आगे देखिए इसमें मुसर देखिए इसमें मुसर है वो इसमें नकरा है जिससे किसी चीज की छोटाई जाहिर हो जिससे छोटापन समझा जाए जैसे पलंग से पलंगड़ी एक आप जब शादी करेंगे या एक जब आपकी शादी होगी तो आपको माँ बाप भाई बहन कोई भी हो बड़ा सा पलंग देगा पचास साठ हजार रुपए का खरीद के बड़ा वाला तो वो होता है पलंग लेकिन आपके सास ससुर या जो भी हो आपके घर में एक छोटा सा भी बनाते हैं जी चौकी के अलावा एक कम पैसे में वो होता है पलंगड़ी तो पलंगड़ी साथियों ये इसमें मुसगर है और पलंग क्या है इसमें मुकबर है देख से देख ची देख जो शादी में खाना बनता है और ची जो साथियों छोटा वाला आपके घर में जिसमें खाना बनता है बाग से बागीचा बाघ इसमें मुकबर है और बागीचा इसमें मुसगर है दर से दरीचा संदूक से संदूक ची या संदूक चा ठीक है ना ये चाट है इस चाट को आप थोड़ा सा समझ लीजिए और इससे भी आपको बहुत आसानी होगा हालांकि जो बेसिक बातें थी वो मैंने आपको पहले समझा दिया ऑलरेडी लेकिन इससे जो है ना आपको थोड़ा सा और भी आसानी हो जाएगा देखिए ये वाला कॉलम में आपको इसमें मुकबर है इस वाले में इसमें मुसबर है इसमें इसमें मुकबर है इसमें इसमें मुसबर है, है। देखिए जैसे बाला और एक हो जाता है बाली हम लोग जाते हैं सोनार के वहां क्या खरीदना है भाई तो बाला तो बाला दीजिएगा तो ये हाथ वाला और बाली बोलिएगा तो कान वाला तो बाला हो जाएगा इसमें मुकबर और बाली हो जाएगा इसमें मुशक्कर कोई है ऐसा कि बाली बोले हा, उसको हाथ वाला दे दे बाला से मुराद है ये वाला जो हाथ में और बाली है साथियों जो कान में तो बाली क्या हो जाएगा इसमें इस मुसकर थाल से थाली थाल बड़ा वाला जिसका बड़ा पेट हो खूब खाता हो तो वो थाल में खाएगा और थाली साथियों छोटा वाला प्लेट उसके बाद देग देग इसमें मुकबर और देगची छोटा वाला मश्क से मशकीजा मशकीजा छोटे वाले पानी को रखते हैं उसको बोलते हैं मशकिजा इसमें मुसगर पहाड़ पहाड़ से साथियों पहाड़ी पहाड़ बड़ा वाला पहाड़ पहाड़ी छोटे वाला कटोरा कटोरा से कटोरी कटोरा बड़ा वाला है ना जिसको हम लोग प्याला बोलते हैं और कटोरी छोटा वाला एक आदमी के लिए जिसमें ये निकलता है नाला से नाली एक आप देखते हैं बड़े बड़े शहरों में ये बहुत बड़ा नाला निकाला जाता है दस फीट बारह फीट का जिसको नहर टाइप का रहता है लेकिन एक नाली होता है आपके गली में एक फिट जी दस इंच चौड़ा है ना वो नाली है संदूक से संदूक चा संदूक आपका हो गया इसमें मुकबर और संदूक चा हो गया इसमें मुसगर ठीक है अब देखिए यहां पर बाग से बागीचा उसके बाद किताब से किताबचा किताबचा इसमें मुसगर है शहनशाह और इससे साथियों शाह देखिए शाह माने होता है बादशाह शहनशाह लग गया तो बादशाह बादशाह शहनशाह लग गया बादशाहों का बादशाह सवार साथियों सवार का मतलब होता है कोई आम सवार लेकिन शह सवार का मतलब होता है घोड़ सवार जितनी भी सवारियां हैं उसमें सबसे आला दर्जे की जो सवारी है वो घोड़ सवार है घोड़ सवारी की जाती है तो शह सवार है ना ये आपका इसमें मुकबर है दर से साथियों दर इसमें मुकबर है और इससे दरीचा इसमें मुसबर है शाहरा ये साथियों इसमें मुकबर और राह जो है ये आपका इसमें मुसबर है आई होप कि यह समझ गए होंगे और बहुत सारी मिसालें मैंने आपको दे दिया इसमें आला बोलते हैं वो इसमें नकरा है जो किसी आला औजार या हथियार का नाम हो जैसे चाकू तलवार खुरपी भाला कलम आरी पेचकस, पेन कंघा वगैरह वगैरह मच्छरदानी ये सब इसमें आला है इसमें जर्फ बोलते हैं इसमें जर्फ बोलते हैं वो इसमें नकरा है जो किसी जगह या वक्त को जाहिर करे उसे इसमें जर्फ कहा जाता है जैसे शाम रात दिन आज कल परसों स्कूल ईदगाह मैदान ये एक जगह और वक्त को बता रहा है और इसमें जर्फ की मंदरजा जैल दो किस्में हैं एक है आपका जरफ़ मकान दूसरा आपका है जरफ़ जमान जरफ़ मकान वो इसमें जर्फ है जिससे किसी जगह का पता चले उसे जरफ़ मकान कहा जाता जैसे ईदगाह जैसे स्कूल जैसे मैदान जैसे कब्रिस्तान जैसे मदरसा जैसे मस्जिद जैसे घर वगैरह वगैरह यह आपका हो जाएगा जरफे मकान चूंकि इससे कोई जगह का पता चल रहा जरफे जमान वो इसमें जरफे है जिससे वक्त या जमाना मालूम हो जैसे इसमें जरफे जमान कहा जाता जैसे सुबह शाम दोपहर दिन रात साल महीना परसों रोजनामा माहनामा हफ्तावारी ये सब हो जाएगा इसमें जरफे जमान हो जाएगा पांचवी जो किस्म है साथियों वह आपका है इसमें सौत इसमें सौत वो इसमें नकरा है जिससे किसी खास चीज या जानदार की आवाज मालूम हो जिससे किसी खास चीज और साथियों जी इसमें सौत वो इसमें नकरा है जिससे किसी खास चीज या जानदार की आवाज मालूम हो उसे इसमें सौत कहा जाता है जैसे देखिए मियाओ मियाओ बिल्ली की आवाज कू, कू कोयल की आवाज शप शप तलवार की आवाज कुल कुल टप टप पानी की आवाज भों भों कुत्ते की आवाज है ना ये साथियों एक खास आवाज है तो जो खास आवाज होगा वो होगा आपका इसमें सौत होगा ठीक है आई होप के यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी और ये वाला चार्ट जो पहले मैंने आपको पढ़ाया अभी उसी रिलेटेड सा है इसको समझाने की जरूरत नहीं है और ये वाला चार्ट भी हम आपको दे देंगे इससे आपको और चीजें आसान में आ जाएंगी तो सभी लोग एक बार कमेंट करके बताइए कि आज का ये क्लास आपको कैसा लगा चीजें समझ में आई या नहीं आई एक बार कमेंट करके आप जरूर बताएंगे। लेकिन एक बात मैं शुरू से कहता हूं और अभी भी कहता आ रहा हूं याद रखिए ये ऑनलाइन का दौर है जे ये चमन यू ही रहेगा और हजारों बुलबुलें सब अपनी अपनी बोलियां बोलकर उड़ जाएंगी यूट्यूब पर अभी देखेंगे आप साथियों कल से जो रिजल्ट आया है स्टेट का आप देख रहे होंगे मैं जो वीडियोस है उस वीडियोस को हम साथियों हमारे जो आपके तरफ से रिव्यू आया है उसको हम डाउनलोड करके ये अपलोड कर रहे हैं उसमें कोई हम सुधार नहीं कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि आप देखिए भाई कैसे कैसे लोग कितने कितने उम्र के लोग घर घर गृहस्थी सारी जिम्मेदारियां को देखते हुए वो लोग एग्जाम क्वालिफाई कर रही हैं या कर रहा है तो फिर आप क्यों नहीं कर पाइएगा ऑनलाइन का दौर है इस दौर में बहुत सारे लोग आवारा मिलेंगे लुच्चे मिलेंगे लफंगे मिलेंगे जो अपने आप को बहुत ज्यादा ही स्मार्ट समझेगा ओवर स्मार्ट आएगा एकदम कमेंट में गर्दा छुड़ा देगा खूब बच्ची अच्छी लच्छे लच्छेदार जे शेर शायरी मारेगा और फिर कहेगा बाय मैं जा रहा हूं जे हाय तुम नहीं आई थी मैं तो सो गया था है ना बस सोए रहो सोए रहो जगो ही नहीं इस तरह करके आपको डिस्टर्ब करेगा इसलिए अगर आपने साथियों एग्जाम पास करना है तो अपने दिल पर हाथ रख के अपने बारे में सोचो वक्त को भी इतना वक्त नहीं है कि वो आपको वक्त देगा याद रखिए हालात बदलेंगी और उस वक्त ऐसी साथियों आपके सामने परिस्थिति हो जाएगी कि जिस वक्त आपको कोई भी टाइम देने को तैयार नहीं होगा और वक्त का तकाजा होगा कि अब आपको कमाने के अलावा कोई चारा नहीं है इसीलिए अभी आपका वक्त है अभी आप सुधर जाएंगे तो इनशाला आप आगे कामयाब हो जाएंगे बाकी रहा कि देखिए कोई किसी भी चीज का हंड्रेड परसेंट रिजल्ट नहीं होता हम ये चाहेंगे कि जितने सारे बच्चे पढ़ रहे हैं सारे के सारे सुधर जाए नहीं हो सकता हाँ यह हो सकता है कि मेरे मोटिवेट करने की वजह से मेरी बातों को मानकर कुछ लोगों के अंदर तब्दीलियां आ सकती है बदलाव आ सकते हैं वरना कुछ लोग तो हमारी बात को कभी नहीं मानेंगे इसलिए साथियों आप पढ़ाई पर फोकस कीजिएगा ऑनलाइन की दोस्ती उतने दिन तक है जब तक आपका रिजल्ट नहीं है रिजल्ट हो जाएगा ना तो जिसका रिजल्ट हुआ वो तो आगे चला जाएगा वो टीचर बनेगा भाई वो क्या आपसे हाई हेलो करेगा वो आएगा कल हो जीएस ऑनलाइन पे किसी को और पूछना है चलिए किसी को और कुछ है ना याद रखिएगा बाकी मैं ये कहूंगा देखिए जिनका यह मैंने बेसिक से बेसिक स्टार्ट किया हूं क्योंकि अभी नोटिफिकेशन नहीं है तो बेसिक से स्टार्ट करेंगे तो जिनका साथियों ग्रामर वीक है कमजोर है वो सीख लेंगे अच्छे ढंग से आप सिक्स टू एट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी क्लास है एप्लीकेशन पे क्लास ले लीजिए है ना अपलीकेशन से क्लास लीजिएगा थोड़ा सा पैसा लगेगा तो आपको दर्द भी होगा कि अरे पैसा लगा भाई पढ़ना है अब फ्री में तो कुछ नहीं होता दूसरे आप 9, 10th की तैयारी कर रहे हैं जो कि स्टेट किए उनके लिए भी क्लास है 11, जो लोग साथियों प्लस टू की किए उनके लिए है सभी का कॉम्बो क्लास भी है यानी तीनों का एक साथ क्लास भी आप ले सकते हैं तो जो आपको अच्छा लगे एप्लीकेशन पे क्लास ले लीजिएगा एप्लीकेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है नाइन टेंथ सिक्स टू एट और नाइन टेंथ देखिए अब ये चीज मैं फिर एक बार आपको समझा देता हूं अगर मान लीजिए कोई ऐसा स्टूडेंट है जो साथियों सिक्स टू एट प्लस में वो नाइन टेंथ प्लस में वो इलेवन ट्वेल्थ है ना इस दोनों के लिए तैयारी करना चाहता है तो वो केवल साथियों इलेवन ट्वेल्थ वाला जो कोर्स है टीजीटी पीजीटी वाला वही कोर्स ले ले कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जो सिक्स टू एट और प्लस में नाइन टेंथ है ना इस दोनों की तैयारी कर रहा है तो वो केवल साथियों वाला क्लास ले ले इससे इसका हो जाएगा कोई ऐसा स्टूडेंट है जो केवल सिक्स टू एट की तैयारी कर रहा है उर्दू की बात कर रहा हूं तो वो सिर्फ सिक्स टू एट की ले है ना यानी अगर आप ऊपर की कोई क्लास की तैयारी कर रहे हैं तो ऊपर वाला ले लीजिए निचारा हो जाएगा उसी में उसका सारा नोट से कंटेंट मैं दे दूंगा ठीक है चलिए बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू मिलता हूं फिर आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ जब तक के लिए खुदा हाफिज शुक्रिया ऑल द बेस्ट उर्दू कवायद के लिए कोई बुक की जरूरत नहीं है मैं आपको सबसे बेस्ट सबसे बेहतर दूंगा और हमारे नोट्स को पढ़िए इंशाल्लाह इसी से आपका उर्दू कवायद में एक भी सवाल छूटने नहीं पाएगा ठीक है थैंक यू सो मच बहुत बहुत शुक्रिया मिलता हूं फिर आपसे नेक्स्ट टाइम दूसरी क्लास जो है साथियों वो दो बजकर तीस मिनट पर एप्लीकेशन पे है और आज शाम में आप लोगों का ऑनलाइन जो है चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट भी है वो भी लगाना है आपको है ना और जो तीसरी क्लास है वो रात में साथियों आठ बजे आठ बजे आपको है पीएम में ठीक है ना जी थैंक यू सो मच बहुत बहुत शुक्रिया